ये तो आप सभी जानते ही हैं कि रामायण में ऐसे कई रहस्य छिपे हुए हैं जिन्हें जानने के लिए हर कोई उत्सुक रहता है। वहीं आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं माता सीता के पुत्रों के बारे में। जी हाँ, ये तो आप सभी जानते ही हैं कि आपने रामायण में देखा होगा कि माता सीता के दो पुत्र थे, लव और कुश। लेकिन ये दोनों ही पुत्र कैसे हुए? यहाँ पर लोगों के दिमाग में कई सारे सवाल आए हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और देवी सीता की कथा पर आधारित रामायण के कई संस्करण उपलब्ध भी हैं। और ऐसे में यदि बात की जाए महर्षि वाल्मीकि की रामायण की, तो यहाँ पर भी कई चीजें देखने को मिली। वेल फ्रेंड्स, ये तो बात हुई यहाँ पर रामायण के बारे में। लेकिन अगर बात की जाए इनके पुत्रों की, लव और कुश के बारे में, तो 14 साल के वनवास काटने के बाद सीता, लक्ष्मण, राम वापस अयोध्या आए थे और अयोध्या में बहुत ही खुशी का माहौल था। सभी लोग बेहद खुश थे और ऐसे में यहाँ पर ये भी पता चला था कि माता पिता बनने वाले हैं ये दोनों। सीता जी के गर्भवती होने की खुशी में पूरी अयोध्या जश्न में डूबी हुई थी और ये खुशी जैसे चंद पलों की ही थी। पूरी अयोध्या में ये चर्चा होने लगी थी कि माता सीता लंबे समय तक रावण की लंका में रहकर आई हैं। ऐसे में राजा राम माता सीता को महल में कैसे रख सकते हैं? इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि माता सीता ने अपने कर्तव्यों का पालन किया और बहुत ही बड़ा त्याग भी कर दिया। दरअसल कहा जाता है कि गर्भवती माता सीता को स्वयं लक्ष्मण वन में छोड़कर आ गए थे। वहां से महर्षि वाल्मीकि माता सीता को अपने आश्रम ले गए और महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में बड़े ही अच्छे ढंग से, सामान्य ढंग से माता सीता ने अपना जीवन व्यतीत किया और कुछ समय के पश्चात माता सीता ने एक पुत्र को जन्म दिया। माता सीता संतान को जन्म दे चुकी थी, तो वहीं इस पर भी कई सारी कहानियां सामने आई। लोक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि माता सीता ने एक नहीं बल्कि दो बालकों को जन्म दिया था, लेकिन रामायण में इस बात का उल्लेख नहीं मिलता है। तो चलिए आपको बताते हैं सबसे पहले लव के बारे में। जिस तरीके से आप जानते हैं कि माता सीता के दो पुत्र थे लव और कुश, जिस पुत्र को सीता ने जन्म दिया उनका नाम था लव। माता सीता का ज्यादातर समय पुत्र के लालन पालन में ही निकल जाता था। दरअसल ये भी कहा जाता है कि एक बार माता सीता कुछ लकड़ियां लेने गई हुई थी जंगल में। महर्षि वाल्मीकि से लव का ध्यान रखने के लिए कहकर गई थी और महर्षि वाल्मीकि उस वक्त अपने काम में व्यस्त हो गए थे। उन्होंने सर हिलाकर लव को वहां रखने की बात कह डाली। लेकिन अगर बात की जाए यहां पर कुश की, तो सीता जी जब जाने लगी थी तो उन्होंने देखा था कि महर्षि तो अपने काम में व्यस्त हैं, उन्होंने लव को साथ ले जाना ही उचित समझा। ऐसे में वो अपने साथ में लव को ले जा रही थी तो महर्षि ने नहीं देखा और कुछ समय बाद महर्षि वाल्मीकि का ध्यान गया तो लव को वहां नहीं देख कर वो परेशान हो गए। ऐसे में उन्हें डर सताने लगा था कि कहीं लव को कोई जानवर उठाकर तो नहीं ले गया। ऐसे में जब सीता वापस आएंगी तो मैं उनको क्या जवाब दूंगा? वहीं महर्षि वाल्मीकि ने पास ही पड़े एक कुशा को उठा लिया और कुछ मंत्र पढ़कर एक बालक को अवतरित कर दिया जो देखने में बिल्कुल लव जैसा दिख रहा था। ऐसे में महर्षि ने सोचा जब सीता वन से वापस लौटेंगी तो उन्हें मैं ये लव को सौंप दूंगा। वहीं कुछ देर के बाद माता सीता वापस लौटी और महर्षि ने देखा माता सीता के साथ तो लव भी थे और ऐसे में वह भी आश्चर्यचकित हो गए। वहीं आपको ये भी बता दें कि माता सीता दूसरे लव को देखकर बेहद ही खुश नजर आईं और उन्होंने इस बालक का जन्म कुशा के द्वारा हुआ था तो इस बालक का नाम रख दिया कुश। और इस तरीके से माता सीता के दो पुत्र कहलाए लव और कुश। सो दर्शकों, हमारी इस खास रिपोर्ट में आज इतना ही। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज से प्रांशी की रिपोर्ट।